नामधारी संप्रदाय के मुखी रहे स्वर्गीय सतगुरु जगजीत सिंह जी की धर्मपत्नी व गुरु माँ चंद कौर के हत्या का मामला 4 साल बाद भी हल नहीं हो सका है। चाहे पंजाब सरकार की तरफ से इस हत्याकांड की जांच सीबीआई के सपुर्द कर दी गई थी, लेकिन 4 साल बाद भी ये केस अनसुलझा है, जिस कारण नामधारी संप्रदाय में रोष है, जिसके चलते नामधारी संगत की तरफ से गुरदासपुर में रोष मार्च निकाला गया और माता चंद कौर जी के कातिलों को पकड़ने के लिए डीसी तजिंदर पाल संधू को केंद्र सरकार के नाम मांग पत्र सौंपा गया। नारी जाति करे पुकार, माता जी ने कातल करो किसको, नारी जाति करे पुकार, माता जी ने कातल करो किसको, कातिल किसके हम, किसके हम, कातिल किसके हम, नारी साहब नारी गौरतलब है कि 4 अप्रैल 2016 को श्री भैनी साहब में माता चंद कौर और अपने ड्राइवर के साथ स्कूल का दौरा करके वापस लौट रही थी, जहां 2 बाइक सवार नौजवानों ने माथा टेकने के बहाने उन्हें गोली मार दी थी। माता चंद कौर को गंभीर हालत में SPS अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया था। लेकिन माता चंद कौर की हत्या को 4 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक CBI की तरफ से कातिलों को नहीं पकड़ा गया। रोष प्रदर्शन कर रही संगत का कहना था कि कत्ल के समय अकाली सरकार की तरफ से CBI को जांच सौंपी गई थी, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार है और सियासी दबाव के चलते जांच आगे बढ़ नहीं रही। मेरा नाम है सूबा दर्शन सिंह, नामधारी दरबार वालों आया मैं। अज का साडा जिहड़ा प्रोटेस्ट है, असीं पंजाब दे विच 5 जगह यह प्रोग्राम कर रहे हैं। सारे थाई DC साहब नूं मंग पत्र दिते आ, इत्थे गुरदासपुर दे विच, कपूरथले दे विच, हुशियारपुर दे विच, अमृतसर ते तरन तारण 5 जगह साडा अज दा जिहड़ा है प्रोग्राम है, क्योंकि 4 साल हो गए 4 अप्रैल 2016 नूं माता चंद कौर जी का श्री भैणी साहब विच कतल होया। लेकिन उत्थों दे प्रबंधक जिन्हां ने बड़े नाटकी ढंग नाल उस कातल नूं इस तरह पेश कीता भी बाहरों 50 लगियां वाले पेंटां वाले कातल आए, उन्होंने कतल कर दिता। पर सवाल इत्थे खड़ा हुंदा है भी जिथे इहो जी सिक्योरिटी लगी हुई है, उत्थे कोई भी बिना किसी पुछताछ दे बिना उहदी तलाशी लई तो उहनूं अंदर नहीं जाण दिता जांदा, पर उत्थे कतल होया। कतल होण दा कारण सिर्फ इक्को ही है, जिहड़ा मैं तुहाडे ध्यान गोचरे लिआउणा चाहुंदा, क्योंकि तुसीं जिस तरह का सवाल किया उहनूं उस तरह पेश मैनूं करना पैना है। उत्थे हैगी 2 धड़ियां दे विच लड़ाई, एक रामगढ़िया ग्रुप, एक है जट ग्रुप, उहनां दे विच आपसी लड़ाई है। जट ग्रुप जिहड़ा है वह माता चंद कौर जी दे जवाई ने, माता चंद कौर जी उस ग्रुप अपने दोहते नूं गद्दी ते बिठाउणा चाहुंदे सी, पर ताकत दे जोर नाल रामगढ़िया ग्रुप जिहड़ा उत्थे काबज हो गया है। रामगढ़िया ग्रुप ने जिन्ना चिर माता जी जिउंदे रहिंदे उहनां ने हर हीला वरतना सी अपने दोहते नूं गद्दी ते बहाउण दा, पर रामगढ़िया ग्रुप ने उस चाल नूं दबाउण वास्ते माता जी का कतल कराया। उहनां दे मोढ़ी कौण ने? ठाकुर उदय सिंह जी, जिन्हां दे ग्रुप दे विच हरपाल सिंह, रिशपाल सिंह, हंसपाल जो कांग्रेस के लीडर ने, उन्होंने पूरा दबदबा बना के इस गेम नू इस तरह पेश कीता कि वह बाहर ही तुरते रहन, CBI वाले ते पुलिस वाले बाहर पुछदे पुछगिछ करते रहन। की कारण है बाबा जी कि अजे तक जिहड़े आ कातल गिरफ्तार कांग्रेस दी शह लगदी है? की लगदा जी इहदे च? पूरी दी पूरी गेम हंसपाल जी ने, वह सीनियर लीडर ने कांग्रेस के, कांग्रेस के दबदबा रखते ने। पर सानू इत्थे एक शक होर जाहर हुंदा है, जदों सेंटर दे विच BJP की सरकार है
उत्थे भी आपका प्रभाव वरत रहे ने, उत्थे भी उन्हां दे प्रभाव नूं कबूलिया जा रहा है। CBI वाले जिन्हां दे उत्ते पूरा माण है देश नूं कि साडी ऐसी एजेंसी है निरपक्ष जांच करदी है, पर वह भी उन्हां दे बहकावे च आ के पासे आसे तुरी फिरदी है। जिथे असल कातल ने उत्थे वह जा ही नहीं रही। चाहिदा यह है भी जिथे कतल हुंदा है उत्थे पासे आसे पुणछाण की जाती है, पर उत्थों तां पुछताछ ही नहीं करी गई। उन्हां दे बहकावे च आ के जिहड़े उन्होंने 50 वाले सिख दिखा दिते, पगां वाले पेंटां वाले दिखा दे, उन्हां दे बहकावे च आ के पासे ही तुरे फिरदे ने। जदके जिथे साडी मंग ये है भी जिहड़े माता जी दे कतल करन वाले कतल करन वाले ने वो भैणी साहब दे विच ने। संघर्ष इस तरह जो अभी कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लैवल से कर रहे हैं, सारे DC साहब को मंग पत्र दिते हैं, अब पंजा जिले बाकी जिले भी इस तरह ही दिते जाएंगे और असी ये संघर्ष उन्नी देर तक जारी रखांगे जिनी देर तक माता जी के कातल जड़े ने वो सलाखों के पिछे ना होंगे। और ये संघर्ष जरा होर भी तेज़ किया जाएगा। असी भारत सरकार को DC साहब के माध्यम राही ये बेनती करने कि छेती 4 साल अजे हो गए हैं माता जी के कातल जड़े गिरफ़्तार नहीं हुए और कातल भैणी साहब के अंदर ने कितने बाहर नहीं, उन्होंने कोई पुछगिछ ही नहीं अज तक हुई। सब तो माड़ी गल एक बिरध अवस्था में जो माता जी सेवा सिमरन की मूर्ति सन जिन्होंने हज़ारा गरीबों के घर वसाए और सेवा की, उन्होंने घर में ही कतल किया गया, सब तो माड़ी गल यह है। आपको बता दें कि माता चंद कौर की हत्या को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं जिनका जवाब अभी तक किसी को नहीं मिला। पहला सवाल तो ये है कि उच्च सुरक्षा वाले इलाके में बाइक सवार दो नौजवान पिस्तौल के साथ कैसे पहुंचे? दोनों कातिल डेरों के अंदर और बाहर लगे CCTV कैमरों में कैद क्यों नहीं हुए? हत्या के दिन माता चंद कौर के साथ सुरक्षा कर्मी नहीं थे, जिसकी जानकारी कातिलों को कैसे लगी? CBI ने दोनों संदिग्धों के स्केच अलग अलग मीडिया में भी दिए हैं, जिससे आरोपियों तक पहुंचा जा सके, लेकिन फिर भी कातिल कानून की मजबूत पकड़ से बाहर हैं। गुरदासपुर से जसविंदर बेदी के साथ ममता कुमारी की रिपोर्ट।